आईटी का 2018 का हम लोग क्वेश्चन डिवर कर रहे हैं। पहला है डेटा इंच। डेटा इंच में से क्या है? तो डेटा रॉ है एंड अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट एंड फिगर है। करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर जो है ये आपका सी नंबर हो जाएगा, रॉ एंड अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट एंड फिगर्स। दो नंबर, फिल इन रिलेशन टू डीबीएमएस मींस, फील्ड जो रिलेशन डीबीएमएस से रखता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। उसको कहते हैं कॉलम, सी नंबर होगा। तीन नंबर, द फर्स्ट नेटवर्क दैट एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनेट वाज, सबसे पहले इंटरनेट का कंसेप्ट कहां से आया था? अर्पानेट। करेक्ट आंसर होगा अर्पानेट, तीन का अर्पानेट। चार, डीएमएच स्टैंड डीमेटेरियलाइज्ड जोन, डीमेटेरियलाइज्ड जोन को डीएमएच कहते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, डीमेटेरियलाइज्ड जोन, बी नंबर होगा। पांच, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज ऑब्लिक आर, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या था? साइबर क्राइम को रोकना और डॉक्यूमेंट वगैरह जो ऑनलाइन होता है उसके फैसिलिटी को बढ़ा देना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था, साइबर क्राइम को रोकना, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी में ए एंड बी होगा। पांच नंबर, सिक्स, URL stands for, URL का फुल फॉर्म होता है Informed Resource Locator, Informed Resource Locator URL का फुल फॉर्म होता है। 7, in DAS Data Processing System Data is processed in chronological order, बोला जा रहा है कि Data Processing System Data जो प्रोसेस होता है कौन सा ऑर्डर में होता है? Serial order में होता है। Data जो प्रोसेस chronological आएगा, chronological माने क्या होता है? Date wise, serial wise, तो serial wise होगा। 8 नंबर, DSS stands for, DSS का फुल फॉर्म क्या है? Decision Support System, DSS का फुल फॉर्म है Decision Support System। How many schedules are there in IT Act 2000? 2000 IT Act 2000 में कितने schedules है? 4। IT Act 2000 में कितने schedules है? 4। An attempt to make a computer resource unavailable to its intended user is called denial of service attack। डेनियल ऑफ सर्विस, कंप्यूटर रिसोर्स पे जब हम लोग इंटेंड करते हैं कि अटैक करेंगे उसको कहते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको डॉस अटैक भी कहते हैं। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्शन का मतलब होता है ऐसा कन्वर्सेशन जो मीनिंगलेस हो और ये डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है, समझ पा रहे? ये जिस पार्टी को भेजा गया वही इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, मतलब इसका मीनिंग को समझ सकता है। जैसे व्हाट्सएप से जो मैसेज भेजते हैं वो इनक्रिप्शन में जाता है, हम भेज रहे हैं तो हम जान रहे हैं जिसके पास जा रहा है वो जान रहा है, बीच में व्हाट्सएप नहीं जान रहा, इसको हम इनक्रिप्टेड या इनक्रिप्शन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा इनक्रिप्शन का करेक्ट स्टेटमेंट है? तो दो नंबर और चार नंबर, दो नंबर और चार नंबर, बी नंबर आंसर होगा। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। वन और थ्री गलत है। देखिए, वर्म इज एनालिसिस कोड दैट रिक्वायर्ड होस्ट प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, वर्म एक एनालिसिस कोड है जिसका दरकार प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए नहीं होता, चालू करने के लिए नहीं होता, ये तो वायरस है। थ्री नंबर, वर्म अलाउ कंप्यूटर टू रन स्मूथली, वर्म आ जाएगा तो कंप्यूटर स्मूथली नहीं चलता भाई, दिक्कत कर जाता, समझ पा रहे? तो वन और थ्री इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 13 नंबर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इन विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? एथिकल हैकर्स आर द सेम टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर क्रिमिनल हैकर्स आर यूज, दो तरीका का हैकर्स है, एक है एथिकल हैकर्स, ये कमजोरी का पता लगाता है कि आखिरकार सिस्टम में क्या कमजोरी हो ताकि उसे सुधारा जा सके, और एक तक क्रिमिनल हैकर्स जो कमजोरी का पता लगा के आपके अकाउंट को लूट लेगा, आपके इंफॉर्मेशन को लूट लेगा, आपको बर्बाद करेगा, उसको क्रिमिनल हैकर्स कहते हैं। तो दोनों हैकर्स के पास सेम टूल्स होता है, सेम टेक्निक्स होता है। एथिकल हैकर्स सही जगह उसका इस्तेमाल करता है और क्रिमिनल हैकर्स उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। 14 नंबर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंटरनेट को कौन लेके आया था? केविन ऑस्थॉर्न, केविन ऑस्थॉर्न ने लेके आया था। 15 नंबर, मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब होता है डेटा इंटीग्रेशन, माने पी का टू होगा। डेटा माइनिंग माने नॉलेज रिकवरी ऑफ डेटा, आपका क्यू का जो होगा वो थ्री होगा, और बिग डेटा एनालिसिस माने डेटा इन्वेस्टिगेशन, आर का वन होगा। तो मैच करा दीजिए, पी का टू, क्यू का थ्री, आर का वन, ए नंबर आंसर होगा। 14 नंबर में आएगी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। करेक्ट स्टेटमेंट है फॉरेन की इज अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल विच इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। 17, डैश आर डॉक्यूमेंट
दैट वेन फाइल टू क्रिएट, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या चीज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया था, टेबल और रिकॉर्ड, टेबल और रिकॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते, केएमएस रेफर्स टू, केएमएस क्या है भाई, केएमएस जो है ये प्रोसेस है ऑफ कैप्चरिंग डेवलपिंग शेयरिंग एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, करेक्ट आंसर, प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग डेवलपिंग शेयरिंग एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। 19 नंबर, ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ डैश फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस डैश सर्विसेज टू सिटीजन, ई गवर्नेंस क्या देता है भाई, क्या प्रोवाइड करता है, आईसीटी और गवर्नमेंट होगा, आईसीटी और गवर्नमेंट। 20 नंबर, द की फीचर्स ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का की फीचर्स क्या है, दोनों होगा ए और बी। 21 नंबर, बीपीओ रेफर्स विच आउटसोर्स इन द सेम कंट्री इज कॉल्ड, बीपीओ जो अपने देश में ही काम किसी और को देते हैं उसको बीपीओ कहते हैं, इसको कहते हैं ऑनशोर, ऑनशोर आउटसोर्सिंग इसको कहते हैं, ऑनशोर। द डेटा डिक्शनरी इज प्राइमरली मेंटेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द, इसे क्या कहते हैं, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, XML does not the use of nested tags, HTTP provides क्या देता है भाई, ऑथेंटिकेशन देता है, कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज सारी चीज देता है HTTP। Any person agreed order of controller or executing officer and appeal to, कहाँ अपील कर सकता है, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास 45 के तहत 45 दिन के अंदर, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई कर सकता है 45 दिन के अंदर, करेक्ट आंसर होगा साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल 45 दिन। समझ, अगर कोई एडजुकेटिंग ऑफिसर से दुखी है तो अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल 45 दिनों के अंदर अंदर। मैं इस क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, अगर आपको इस पेपर से कुछ भी हेल्प होता है थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए जिन बच्चे को चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।